मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को प्रदेश भर में निर्मित सामुदायिक शौचालय में पंचायत भवनों का वर्चुअल लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले के 400 सामुदायिक शौचालय में 62 ग्राम पंचायत भवनों का लोकार्पण एवं 789 शौचालय एवं 480 पंचायत भवनों का शिलान्यास भी किया गया। ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम का प्रसारण LED स्क्रीन के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के कई ग्राम प्रधानों से ऑनलाइन संवाद किया, जिसमें गोरखपुर जिले के उनौला दोयम के ग्राम प्रधान सुधा सिंह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संवाद किया और उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब ग्रामीणों को अब आय जाति निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए तहसील या अन्य जगह के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। प्रत्येक ग्राम पंचायत में बने पंचायत भवन में ही ये सुविधाएं उनको मिलेंगी। इसके साथ ही पंचायत भवन में भी एक मिनी बैंक भी खुलेगा, जहां से किसान जरूरत के वक्त 5,000 रुपये तक अपने बैंक खाते से निकाल सकेंगे। इस संबंध में जिलाधिकारी KVJN पांडे ने बताया कि लॉकडाउन में जो प्रवासी श्रमिक जनपद में आए थे, उनको रोजगार देकर 428 पंचायत भवनों का निर्माण करवाया गया है और अलग अलग ग्राम पंचायतों में 1305 सामुदायिक शौचालय महिला व पुरुष के लिए बनवाया गया है। और उन्होंने बताया कि सामुदायिक शौचालय में 6,000 मानदेय पर गांव की ही एक गरीब महिला रखकर रोजगार दिया गया है, जिसमें जनपद में कुल 1350 लोगों को एक रोजगार मिल गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मंडलायुक्त जयंत नालिका, जिलाधिकारी KVJN पांडे, CDO इंद्रजीत सिंह, DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर, जिला पूर्ति अधिकारी आनंद सिंह, ग्रामीण विधायक विपिन कुमार सिंह, चौरी चौरा विधायक संगीता यादव, ग्राम प्रधान उनौला दोयम सुधा सिंह मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए उनौला दोयम की ग्राम प्रधान सुधा सिंह, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, जिलाधिकारी KVJN पांडे व मंडलायुक्त जयंत नालिका ने कहा। आदरणीय सांसदगण, विधायकगण, पंचायत प्रतिनिधिगण, अधिकारी साथियों, गरीब कल्याण रोजगार अभियान का आह्वान माननीय प्रधानमंत्री जी ने 20 जून को किया था। Welcome to Unified Conferencing. यहाँ से प्रॉब्लम है ना। मेरा प्रदेश है कि विभाग के क्रियाकलाप स्वच्छता जन सामान्य के लिए उपयोगी हूँ। मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि सामुदायिक शौचालय खोलने में शौच से पूर्ण रूप की तथा पंचायत भवन मंत्री जी के कंपनी द्वारा किया जा रहा है, अगर मजबूत गुणवत्ता पर सुंदर और की गई ज्ञानपूर्वक जागरूकता प्रदान करने वाले संदेशों और चित्र के कारण सबकी ओर सबका ध्यान आगे से करने वाला होगा। आज के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी प्रतिभा करने वाले सभी जनप्रतिनिधियों का अधिकारियों का सम्मान करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आमंत्रित करता हूँ ग्राम विकास मंत्री उत्तर प्रदेश शासन को उनके अनुमोदन के लिए। माननीय मंत्री, हम सबके आराध्य उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्री और हम सबके मार्गदर्शक श्रद्धेय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, स्वच्छता की दिशा में जिसके कुशल मार्गदर्शन में देश आगे बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश को उनकी विशेष रहती है। और ऐसे पंचायत भवनों के शिलान्यास के कार्यक्रम में हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी जी महाराज, कार्यक्रम में उपस्थित मंत्रिमंडल में मेरे शिलान्यास किया जा रहा है, जिन्हें अगले दो माह में पूर्ण कर लिया जाएगा। इनके नाते रखाव के लिए स्वयं सहायता समूह से प्रत्येक पंचायत के लिए एक महिला कर्मी रखने का निर्णय लिया गया है।
सर हमारे विद्यालय में आपके सहयोग से सामुदायिक शौचालय, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी केंद्र, मटर पोखरे का सुंदरीकरण, विधायक निधि से सड़कें, सांसद निधि से सड़कें, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट और शुद्ध पेयजल, कूड़ेदान, सारी व्यवस्था है सर। और मेरे गांव की जनता बहुत खुशहाल है, मैं उसके लिए आपको बहुत बधाई देती हूँ सर। हम आपकी बहुत बहुत आभारी हैं कि आप हमारे प्रदेश के ऐसे मुखिया मिले हैं। ये जो है जो सामुदायिक शौचालय बना है, इसकी साफ सफाई भी होती है? जी सर, जी सर। इसके लिए प्रगति समूह की एक महिला, विधवा महिला जानकी को रखा गया है, जिसे 6000 रुपए मान दे दी जाती है सर, और वो पूरी साफ सफाई की व्यवस्था करती है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। जी सर। देखिए आपका सर है, आज जितना आगे है मेरे गाँव की जनता आपकी बहुत आभारी है, बहुत खुशहाल है सर। और हम गोरखपुर का अपना आवाज सुनकर संगम में जा रहे हैं। हाँ, आज सरकार की योजनाओं का लाभ लिया है जी सर, उससे आपका गांव भी अब आगे की पंक्ति में खड़ा हो गया है। जी सर, आप ही के सहयोग से मेरे विद्यालय में, मेरे गांव में केंद्रीय विद्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, केंद्रीय विद्यालय आपको। हाँ, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका और माननीय प्रधानमंत्री जी के हम बहुत आभारी हैं कि आप लोग जैसे हमारे देश के मुखिया मिले हैं सर। हमारे गांव के साथ साथ हमारा देश खुशहाल है सर। बहुत बहुत आभारी सर हम हैं, और आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। अपने धन्यवाद। आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी द्वारा पूरे प्रदेश में जो है सामुदायिक शौचालय और पंचायत भवन का शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसके क्रम में हमारे गोरखपुर जनपद में अकेले करीब 500 के करीब पंचायत भवन का और करीब 1200 से ऊपर जो है इसमें शौचालयों का, सामुदायिक शौचालयों का शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम हुआ है। इसी तरह से पूरे प्रदेश में हर जिले में स्तर पर कार्यक्रम आज चल रहा है। हम अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी को और हम भारत के प्रधानमंत्री जी को बधाई देंगे कि इन लोगों की इतनी अच्छी सोच है। गरीब जनता जो है, जिनके पास जगह नहीं थी, शौच के लिए बाहर खेतों में जाते थे, गंभीर बीमारियां फैलती थी, तो उनके लिए अब आराम हो जाएगा कि सामुदायिक शौचालय से वहां जा करके फ्रेश हो लेंगे, फिर नहा धो करके जो है अपने घर पर अपने कार्य के लिए चले जा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा कार्य है। आप देखेंगे इंसेफ्लाइटिस से गोरखपुर जूझ रहा था, अब की साल बहुत कम संख्या में यहाँ पर हमारे बच्चे काल के गाल में समय, ये हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की ही देन है। बहुत ही मेहनत किए, सांसद रहते हुए मुख्यमंत्री आज हैं तो भी, तो इस तरह से बहुत अच्छे अच्छे कार्य मुख्यमंत्री जी द्वारा कराए जा रहे हैं। हम बधाई देना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी को। सुधा सिंह, आज मुख्यमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात की, क्या गांव के विकास के बारे में क्या बताया? कि मेरे गांव में पंचायत भवन, शौचालय, आंगनबाड़ी केंद्र, पोखरे का सुंदरीकरण, सड़कें, स्ट्रीट लाइट, कूड़ेदान, शौचालय, शुद्ध पेयजल, सारी व्यवस्थाएं हैं जो उन्हीं की देन है। उन्होंने कुछ और कार्यों के लिए आपको प्रेरित किया, क्या कहता है? नहीं, उन्होंने मुझे बधाई दिया है और बताया कि ऐसे ही कार्य करते रहिए। देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों से अभी कार्यक्रम समापन हुई है। इस पे 1305 जगह हम लोग सामुदायिक शौचालय बनाए, लगभग हर ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय बनी है, महिला पुरुष अलग अलग बैठने के लिए, और उस पे चलाने के लिए भी, संचालन सफाई करने के लिए भी वहाँ का एक गरीब महिला जो भी गांव का है उन्हीं का रोज़गार के रूप से 6000 रुपया मानदेय में रखा गया है। उसके अलावा 428 पंचायत घर का आज लोकार्पण हुआ है। ये पिछले जो आपको याद होगा, प्रधानमंत्री जी ने अभियान शुरू किए थे, बाहर से जो कितने लोग आए थे खासतौर पे जो प्रवासी मजदूर के रूप से, उन्हीं लोग का शामिल करते हुए हम लोग योजना बनाए, हर गांव में उसको रोज़गार भी मिली है जो निर्माण के रूप से, और इस पे तमाम अरबों रुपया खर्च करते हुए ग्राम पंचायत में एक अच्छा खासा असर्ट क्रिएट हुआ है। इसके क्या है, आपने बताया तो 1350 लोगों का रोज़गार आज मिल गया है, खासतौर पे इस पे समूह का महिला है, और उसके अलावा पंचायत घर भी बन गया। पंचायत घर बनने में वहाँ का जो गांव लेवल का सुविधा है वो भी सेवाएं बढ़ गया है। ये धीरे धीरे विस्तार होकर के और भी जगह कवर होगा। गोरखपुर में
अपने जनपद में अपने कितने सारे फसलें? देखिए आज जो शिलान्यास प्रोग्राम हुआ है, यदि हम देखें जो गरीब कल्याण योजना में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और मार्गदर्शन में और इस कमिश्नरी की यदि हम बात करें तो टोटल हमारे जो हैं 713 सामुदायिक शौचालय हैं जिनका शिलान्यास किया गया है। 196 सामुदायिक शौचालय ऐसे हैं जिनका आज लोकार्पण किया गया है। 239 पंचायत भवन हैं जिनका आज शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ और 51 पंचायत भवन ऐसे हैं इस कमिश्नरी में जिनको पूर्ण करते हुए उनका लोकार्पण किया गया है। सो इस तरह से हम देखें कि हमारे बहुत सारे भवन बन रहे हैं और जो माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वप्न है वो ये है कि हर पंचायत में एक मिनी सचिवालय हो और वो सचिवालय हर सुविधा से संपन्न हो और उसी के क्रम में ये कार्य हो रहा है और आशा करते हैं कि हम शीघ्र ही अगले 30 से 60 दिन में बाकी कार्य सामुदायिक शौचालय और पंचायत भवन का पूर्ण कर लेंगे और इसमें गुणवत्ता का ध्यान रखेंगे और सबसे महत्वपूर्ण होगा कि इन भवनों का, इन शौचालयों का मेंटेनेंस करना, रख रखाव करना और तभी ये पूर्ण रूप से जनता को लाभ देता है।